हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं और यहाँ के रूल रेगुलेशन कायदे कानून कुछ अलग ही हैं, परंतु आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर काफ़ी चौंक जाएंगे आप। आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि क्या सच में ऐसा होता है। जी हाँ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ जंगल कानून की। जंगल का कोई कानून कोई नियम नहीं होता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम चलता है, वो है भूख का नियम। जिसमें दम है वो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को भी खा सकता है और किसी को भी मार सकता है। बस यही है जंगल का कानून। आप अभी वीडियो में जो देख रहे हैं ये है एक बहुत ही चालाक चीता। चीते ने बड़ी ही चालाकी से एक हिरण का शिकार किया है और उसे ले जा रहा है अपनी माद की ओर अपना शिकार कर बनाने के लिए। परंतु देखिए कैसे चीते को जंगली कुत्तों ने हमला कर दिया और इन जंगली कुत्तों की फौज आ गई और चीता डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। और अब देखिए क्या हो रहा है, इन जंगली कुत्तों के बीच में एक लकड़बग्घा आ गया और ये लकड़बग्घा भी अब उन्हीं कुत्तों के साथ में अपना भोजन चुराने के लिए आया था। परंतु ये क्या, अब देखिए यहीं से खेल शुरू होता है जंगल का कानून। कैसे कुत्ते ने लकड़बग्घे को घेर कर पकड़ना शुरू कर दिया और सब ने उसे भगाने की ठान ली। और इन जंगली कुत्तों ने तो उसे बस भगाने की ठानी ही नहीं बल्कि अब वे हिरण को छोड़कर इसके पीछे ही पड़ गए। आप देख रहे हैं कि कैसे सभी ने मिलकर उस पर अटैक कर दिया है और देखिए कैसे कितनी बेरहमी से उसे काट रहे हैं। कोई पीछे से का पकड़ रहा है, कोई उसके पैर को पकड़ रहा है और इस तरह से लकड़बग्घा पूरी तरह से पस्त नज़र आ रहा है। जबकि हम सभी जानते हैं कि लकड़बग्घा एक चालाक और कुशल शिकारी होता है जंगली कुत्ते की अपेक्षा। जंगली कुत्ते की अपेक्षा लकड़बग्घा बहुत ही चालाक और शिकारी होता है, परंतु यहाँ जंगली कुत्तों की फौज यानी जंगली कुत्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि एक लकड़बग्घा बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है और देखते ही देखते वो पस्त नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब वो बच नहीं पाएगा और इन जंगली कुत्तों का हाथों मारा जाएगा। आप देखिए दूर से ये सब चीता देख रहा है परंतु वो भी कुछ नहीं कर सकता है। और ये देखिए लकड़बग्घा कितनी बुरी तरह से इन सब से हार रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब बस आज इनका लास्ट ही दिन है। जंगली कुत्ते हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और देखिए कैसे बड़ी चालाकी से चीता आया और वो जो शेर का जो हिरण का शिकार हुआ था उसे उठा कर लेकर भाग गया और ये बड़ी ही तेज़ी से पेड़ पर चढ़ गया। अब यहाँ पे ना कोई इसे परेशान करेगा और ना ही कोई उसे देखेगा क्योंकि जंगली कुत्ते तो उस लकड़बग्घे के पीछे पड़े हुए हैं। ये देखिए एक कुत्ता तो उसका मुंह ही पकड़ लिया है, बस अब इसका अंत होने ही वाला है। यही है जंगल का कानून। जंगल में सिर्फ एक ही कानून चलता है, वो है भूख। बस जिसे भूख लगी है वो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को भी मार सकता है और किसी को भी खा सकता है। बस यही है जंगल, यही है जंगल का कानून और इसीलिए जंगल को जंगल कहा जाता है। हम इंसानों की बात करें तो हम इंसानों का एक अलग ही रूल रेगुलेशन चलता है, परंतु जंगल का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। देखिए लकड़बग्घा अपनी जान बचाने के लिए तालाब में कूद गया, तालाब में कूद गया, परंतु उसके साथ साथ जंगली कुत्ते भी कूद गए क्योंकि लकड़बग्घा और जंगली कुत्ता दोनों ही एक कुशल तैराक होते हैं। परंतु लकड़बग्घा अपनी जान बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ा है और यहाँ उसे कुछ बेनिफिट नज़र मिलता हुआ आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब उसकी जान थोड़ी बच जाएगी और इस तरह से लकड़बग्घा पानी में और अंदर चला गया और जंगली कुत्ते उतने अंदर नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि लकड़बग्घे की आज जान बच गई। परंतु यहाँ कभी भी शिकारी शिकार बन सकता है, बस यही होता है जंगल का कानून। देखिए एक लकड़बग्घे का बच्चा जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है एक लकड़बग्घे का बच्चा और एक शेर। शेर देखिए उसने लकड़बग्घे के बच्चे को उसके माद में देख लिया है और देखते ही देखते उसने अटैक करने का मन बना लिया। लकड़बग्घा का बच्चा अपनी माँ के साथ खेल रहा है, परंतु देखिए शेर ने उसे दूर से ही देख लिया और अटैक करने का ठान लिया। और ये देखिए शेर बहुत ही फुर्ती के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो अब बस उनका शिकार कर ही डालेगा। देखिए देखते ही देखते कैसे शेर ने उस लकड़बग्घे के बच्चे को मार दिया, मार गिराया। जी हाँ, लकड़बग्घे के बच्चे को मार गिराया और लकड़बग्घे को भगा दिया। जंगल का यहाँ एक और नया कानून हम देखने को देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी किसी का शिकार कर सकता है। ये देखिए एक बड़ा शेर ने लकड़बग्घे की माँ को भी पकड़ लिया और उस
उसे भी बस काट काट के खाने ही वाला है। लकड़बग्घा तो भाग गया, परंतु बच्चा भाग नहीं पाया और इस तरह से बच्चा पकड़ में आ गया उस शेर के। जी हाँ, शेर यानी जंगल का राजा। जंगल का राजा किसी को भी नहीं छोड़ता है। जब उसे उसकी जब भूख लगती है तो अपनी भूख मिटाने के लिए वो कोई भी हद से गुजर सकता है और कुछ भी कर सकता है। देखिए कि कैसे ये शेर उस लकड़बग्घे के बच्चे को पकड़ लिया और बस उसे अपना शिकार बना लिया। परंतु हम देख सकते हैं कि लकड़बग्घे का बच्चा भी काफ़ी ज़िद्दी है और अभी तक जीवित है, मतलब जिंदा बच गया। देखिए, एक लकड़बग्घा दूर से ही उसे देख रहा है और वो कुछ कर नहीं सकता। बच्चा इस गड्ढे में घुस गया है, यानी जाकर कहीं छिप गया है। शेर पूरा गड्ढा को खोद खोद के उस बच्चे को निकाल रहा है। देखिए, शेर कितना देर से इस गड्ढे को खोदे जा रहा है और उस बच्चे को निकालने के लिए काफ़ी प्रयत्न कर रहा है। हम देख रहे हैं कि शेर भी उस गुफा में यानी कि वो छोटे से गड्ढे में घुस गया। आज जंगल के राजा ने पूरा मन बना लिया है कि लकड़बग्घे का बच्चे का शिकार करके ही रहेगा और इस तरह से वो उस छोटे से माद को खोद कर उसका शिकार कर ही डाला, यानी लकड़बग्घे के बच्चे को उसने मार ही डाला और ये जंगल के राजा के पकड़ में आ गया। देखिए, वो अपनी मुंह में लेकर उसका शिकार कर रहा है और उसका मांस खाने को तैयार है। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, चारों तरफ से लकड़बग्घे का एक झुंड शेर पे अटैक कर दिया है, यानी जंगल के राजा अब फंस चुके हैं। पूरी तरह से लकड़बग्घों के झुंड ने उस जंगल के राजा पे अटैक कर दिया जिसने उस बच्चे का शिकार किया था। देखिए कैसे देखते ही देखते पूरी की पूरी बाजी पलट गई और पूरा लकड़बग्घे का झुंड उस शेर पे अटैक कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे एक शिकारी जो शिकार करने आया था वो अब खुद ही शिकार बन गया, यानी खुद ही उन लकड़बग्घों का भोजन बनने जा रहा है। देखिए कैसे लकड़बग्घे पूरी तरह से उसे घेर कर झुंड में उसे मार रहे हैं। और कहते हैं ना कि यहाँ जंगल का कोई नियम कानून नहीं होता है, बल्कि यहाँ भूख ही नियम कानून है। और वही देखिए कैसा एक जंगल के राजा को लकड़बग्घों ने पूरी तरह से घेर कर उसे अपना शिकार बना लिया, बनाने की पूरी तरह से ठान ली है। देखिए कैसे उसे काट रहे हैं और चारों तरफ से लकड़बग्घों का झुंड उस शिकार के पीछे दौड़ रहा है, यानी उस शेर के पीछे दौड़े जा रहा है। और देखिए, देखते ही देखते पूरी की पूरी बाजी पलट गई और शेर का शिकार हो गया, यानी यहाँ शिकारी ही शिकार बन गया। और बस यही है जंगल का कानून और यही है जंगल राज, यहाँ शिकारी कभी भी शिकार बन सकता है।